हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल एसएमआर में। दोस्तों, ये सैमसंग का फ़ोन है और इसमें अचानक टच काम करना बंद कर दिया दोस्तों। तो ऐसा प्रॉब्लम आपके भी साथ हो सकता है या आपके साथ हो गया है, तो इस वीडियो को लास्ट तक आप ज़रूर देखिए। और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब वाला बटन दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि आपको नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो यहाँ पे हमारा दोस्तों टच नहीं काम कर रहा, ये सैमसंग का फ़ोन है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमारे फ़ोन का अचानक जो है टच काम करना बंद कर देता है। कभी ऐसा भी हो जाता है कि डिस्प्ले पर ग्राफिक होना बंद आना बंद हो जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि माइक स्पीकर रिंगर काम करना बंद कर देता है, यानी अचानक से आपके मोबाइल में कोई भी प्रॉब्लम हो जाता है। आप उसे स्विच ऑफ करना चाहते हैं, रिबूट करना चाहते हैं तो नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जो है आपका टच नहीं काम कर रहा है। तो इसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों, अपने फ़ोन को एक बार रिबूट करना है। और रिबूट करने के लिए आपको क्या करना है, वॉल्यूम डाउन बटन और जो है पावर बटन, दोनों बटन को आपको एक साथ प्रेस करके रखना है दोस्तों। लगभग 10 सेकंड तक आप लगातार प्रेस करके रखोगे तो आपका फ़ोन ऑटोमेटिक रिबूट हो जाएगा, रिस्टार्ट हो जाएगा। चलिए आपको करके दिखाते हैं। यहाँ पे वॉल्यूम डाउन बटन और पावर बटन, दोनों बटन को हमने एक साथ प्रेस किया तो ये हमारा फ़ोन जो है रिबूट हो गया। थोड़े समय में हमारा फ़ोन ऑन हो जाएगा दोस्तों। कभी कभी ऐसा होता है कि अचानक हमारे फ़ोन का जो है चलते चलते टच काम करना बंद कर देता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि डिस्प्ले पे ग्राफिक आना बंद हो जाता है। और अधिकतर उस मोबाइल में ऐसा प्रॉब्लम आता है जिसमें मतलब जिसका डिस्प्ले चेंज होता है उसमें अधिकतर ये प्रॉब्लम आ जाता है दोस्तों। तो घबराने की कोई बात नहीं है दोस्तों। यदि आपके साथ ऐसा प्रॉब्लम हो गया तो आप अपने फ़ोन को एक बार रिबूट कर लीजिए दोस्तों। पहले जो है इसका टच नहीं काम करता था, अब आपको हम दिखाएंगे दोस्तों। यहाँ पर देख लीजिए, अब इसका टच जो है काम करने लगा है दोस्तों। तो एक बार रिबूट और रिस्टार्ट करने में आपका कोई पैसा कोई चार्ज नहीं लगता है दोस्तों। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।